कानपुर कमिश्नरेट और आउटर के सभी थानों आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है। इस दौरान अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को आतंकवाद के खिलाफ शपथ दिलाई और सभी वर्गों के बीच शांति सद्भाव बनाए रखने के लिए जागरूक किया। डीसीपी पश्चिम बीवीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि देश में हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के रास्ते से दूर करना है और उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद दुनिया का सबसे गहरा जख्म है और मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो ना तो धर्म देखता है ना ही समुदाय। ये हर वर्ग को कभी न भरने वाला जख्म देता है। वहीं आउटर और कमिश्नरेट में पुलिस लाइन, थाना चौकी, क्षेत्राधिकारी कार्यालयों और पुलिस कार्यालय में पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई गई, जहां सभी ने आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ निष्ठापूर्वक कार्य करने की शपथ ली। देखिए, आज पूरे प्रदेश भर और देश भर आतंकवादी विरोध दिवस का जो शपथ है वो दिलाया गया है और हमारे यहाँ पर भी सारे थानों पर अपने कर्मचारियों से और कार्यालय में भी कर्मचारियों से और हम लोग शपथ ली है। और शपथ के दौरान यही स्पष्ट निर्देश दिया गया है सभी हमारे अधिकारियों से कि ऐसे कुछ भी कोई भी घटनाएँ हो, जो भी हो आतंकवादी के विरोध, त्वरित कार्रवाई करें और घटना कारित ना हो उसके लिए जो भी SOPs फॉलो करना है उसको फॉलो करने के निर्देश दिए गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMTNewsFlash।